सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे, चाहे 2000 का हो जाए। आप ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हज़ार की खरीद के, आज खरीदने जाना, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे, ठीक है, चाहे 2000 का हो जाए। बहुत बढ़िया, जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है वो वोट उसी को जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, 2000 रुपए सिलेंडर हो जाए, चाहे हम मोदी को ही वोट दें, मोदी को ही वोट दें। धर्म खतरे में कैसे था पहले? खतरे की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक ये बताइए, अभी जब से मोदी जी आए तभी तो राम मंदिर बना ना, उससे पहले किसी ने बनाया? मोदी जी ने बनाया सुप्रीम कोर्ट में, पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने की मोदी जी ने, पहले किसी ने बनाने का प्रयास किया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। मोदी कहते राजीव गांधी ताला खुलवाया, मोदी जी ने प्रयास किया, मोदी जी राजीव गांधी ने ताला खुलवा के शिलान्यास किया, भाजपा वाले विरोध कर रहे थे, ठीक है, अच्छी, हम नहीं कह रहे राजीव गांधी ने, हमको घंटा बजा के जाना है मंदिर बजा के, हमको नौकरी चाहिए, घंटा बजा के नौकरी नहीं ले पाए, आपने पाली? हाँ तो हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, हम तो पा ही लेंगे, वो नहीं पा पाए। अरे हमको तो बताओ तैयारी का, किस चीज काहे की कर रहे हो, पढ़ाई की? हम किस चीज की? आराम से आप बता ही देते हैं ना, आराम। देखिए हम तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की, ठीक है, जब भर्तियां आएंगी तब हम उसकी उसका एग्जाम की तैयारी, तो अभी से तैयारी करी कि इसके पहले भी कोई तैयारी की? इसके पहले भी कोई तैयारी नहीं की, ठीक है, हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब की बीएड क्यों बीटीसी किए हैं आप? नहीं तो हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, बीएड में एडमिशन लिया, तैयारी उसी की कर रहे हैं। मंदिर पर वोट दोगे, रोजगार पर वोट दोगे? आखिरी वोट तो रोजगार पे जाएगा, वोट तो रोजगार, जब रोजगार आएगा तभी तो 10 लाख पद खाली पड़े, भाई पद जो खाली पड़े हैं उनकी तैयारी जो जब निकलेंगे पद तभी तो लोग जाएंगे ना। 10 लाख पद खाली पड़े निकले नहीं, वो तो बात के है, अभी जो है मौजूदा खाली पड़े 10 लाख, तो उनका मैं थोड़ी पद निकालूंगा, वो तो सरकार निकालेगी ना, तो अभी तक नौकरी का नहीं है। आप पर्सनल ओपिनियन पूछ रही है, हम तो बात कर रहे हैं, इतने साल में नौकरी आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिली? आप पर्सनल ओपिनियन पूछ रही है, तो पर्सनल ओपिनियन में अपना बताइए, आपके हिसाब से अभी तक 10 लाख पद खाली क्यों पड़े? जब देश का युवा तैयारी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो देश के युवा को नौकरी क्यों नहीं? ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाला है, ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है देश की, ठीक है, हम भी थोड़ा सा, कितना जीडीपी? अभी जीडीपी 3 ट्रिलियन से ज्यादा होने वाली है। आप ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हज़ार की खरीद के, आज खरीदने जाना, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। तो मोदी जी तो भाई उनकी देखिए, मोदी जी की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, जब वो 3 रुपए की चीज़ 300 की बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर तो दे दिया, और क्या चाहिए इन लोगों को, इनका इसी से पेट भर रहा है। अरे क्या क्या बोल रहे जो बता रहे 2000 का सिलेंडर हो जाए, अरे गरीब से पूछो 2000 का सिलेंडर ले पाएगा वो? हम अपनी बात कर रहे, अरे आप अपनी बात करो ना, आपने पर्सनल ओपिनियन पूछा, पर्सनल दिया, हाँ तो बस 2000 के नाम से ही भाजपा को डुबो देंगे। ये जो यंग जनरेशन यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना कट्टर उन लोगों को बना दिया गया है, वो कहते हैं भैया हम जो है 300 रुपए की चीज 300 खरीद लेंगे, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे, इसी वजह से मोदी जी राज कर रहे हैं। 400 का सिलेंडर कितना 1200 कर दिए हैं, सीएनजी गैस आती है मैम 2014 में वो 33 रुपये 33 रुपीज पर केजी था, 2014 में मैं 1000 रुपये पर डे बता रहा हूँ, मुझसे आप कसम खिला लो, आज की डेट में मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई, बट मेरी कमाई 1000 से घट के जहाँ 2-3 हज़ार होना चाहिए था वो 500 रुपये पे आके सिमट गई, अब किससे रोने जाएं। नोटबंदी मोदी जी ने किया था, मेरे पिताजी का कारोबार इस तरह से बर्बाद हुआ कि 5 साल से बेचारे इतने कर्ज में डूब गए कि 5 लाख रुपए कर्ज में है, अभी तक उससे ऊपर नहीं आ पाए। नोटबंदी मोदी जी का सबसे गलत डिसीजन था, वहीं से ये देश पूरी तरह से, उस देश की कमर टूट गई इकोनॉमी की। बस बस चुनाव आने दीजिए, 450 में सिलेंडर यहाँ भी मिलेगा, बस चुनाव आ जाने दीजिए। यही पता चल रहा है कि
इसमें जो है कांटे की लड़ाई होने वाली, लड़ाई उधर लड़ाई, कांटे की लड़ाई, कांटे की लड़ाई, इधर इधर कांटे की लड़ाई, कांटे की लड़ाई, काहे की लड़ाई, काहे की लड़ाई हो रही, अरे काहे की लड़ाई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सरकारी स्कूल की फीस नहीं बढ़ी है, अरे राजस्थान में 450 का सिलेंडर मिल रहा है, यहाँ तो फूल मिल रहा है ना, यहाँ तो दिया जल रही है ना, शिक्षा से नहीं मतलब है, शिक्षा से और रोजगार से नहीं मतलब है, यहाँ शिक्षा और रोजगार से मतलब नहीं है, दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा, ये बताइए 450 का सिलेंडर राजस्थान में दे रहे आपको क्यों नहीं, यूपी वालों क्यों नहीं, राम राज है ना, राम राज है, राम राज है, अरे आप लोग काहे लड़ रहे हैं, दूध पी के नहीं आए हम लोग, दूध पी के आए, अरे मैडम बाकी सब झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा दीदी, सब लोग सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये कोई नहीं सोच रहा है कि हम शराब की बोतल लेके वोट दे रहे हैं और फ्री का राशन लेके वोट दे रहे हैं, शराब की बोतल, फ्री का राशन और सब चीजें फ्री चाहिए, कोई एक सांसद 20 करोड़ रुपया लेके खर्च करके जीतता है, पैसे पैसे लेके वोट देते हैं, अपनी नहीं कहते हैं, सरकार की सब छोड़िए, नेताओं को छोड़िए, ये बताइए 450 का सिलेंडर दे रहे हैं मोदी जी उधर राजस्थान में, आप कौन राज्य के हैं? मैं यही का हूँ, यूपी के, हाँ तो यूपी के लोग का नहीं मिला भैया, 9 साल हो गया,